तो सीन ये ऐसा है कि पहले तो गया मैं हेयर कट करवाने के लिए, मतलब लाइक के 2 दिन पहले मैं हेयर कट करवाने के लिए चला गया। सलाम अलैकुम, सलाम बोल दिया था भाई, ग्रीटिंग्स, हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे जैसा कि मैं हूँ। उसमें मुझे करवानी थी पमिंग, अपने हेयर कर्ली करवाने थे तो वो तो मैं करवा नहीं पाया क्योंकि मेरी लेंथ जो है तो छोटी है बहुत, और उसमें रोल के लिए बड़े बाल चाहिए, और मेरी कुछ कंडीशन है लाइक कुछ अपने मसले है कि मैं इससे ज़्यादा और बाल बड़े नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी बातचीत हुई, कुछ डिस्कस किया, तो देन भाई ने फिर एक कुछ लेके आए कि नाराज़ ना हो भाई, आपका काम कर देंगे, भले वो 6 महीने के लिए रहता है या 6 घंटे तक रहेगा। सो भाई अभी हेयर कट चल रहा है, कल घर जा रहे हैं, एक सरप्राइज विजिट है घर पे हमारे, किसी को पता नहीं कि हम आने वाले हैं। हमने बोला था हम अक्टूबर में आएंगे, बट 6-7 महीने, 6 महीना जैसा हो गया है, तो अब जाना पड़ेगा। सो सरप्राइज विजिट देते हैं, देखते हैं रिएक्शन। इस साइड से कूल आ रहा है ना, चेंज हो जाएगा। मेरे को कर्ली करवाने थे, फार्मिंग करवानी थी मेरे को, बट मसला है कि बाल मेरे छोटे हैं तो हो नहीं पाएगा, बड़े बाल चाहिए फार्मिंग के लिए। मेरे को यार कर्ली करवाने का इतना मन था, बहुत ही ज़्यादा मन था, बट ये भाई बोलते तुम्हारा पैसा वेस्ट वेस्ट होगा, बट हो नहीं पाएगा जैसा तुम चाह रहे हो। मैं बोला खैर छोड़ दो, फिर इसी में कुछ हो जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज बचपन से करते आ रहे हैं, अब भी कर लेंगे। एज यू कैन सी चेंज तो दिख ही रहा होगा। और हम लोग को लड़कों का एक ऐसा सीन होता है कि ग्लो अप के लिए हमें बहुत ज्यादा फैंसी वैंसी होने की जरूरत नहीं होती, बस एक 100 रुपये वाला हेयर कट और बात खत्म। जल जाएंगे बाल तो ऐसा फील हो रहा है। नहीं, फाइनली कर ली। सही है, हेयर कट करवाया, हेयर कट करवाने के बाद फिर घर चला गया। अब यहाँ से नेक्स्ट डे मेरे को निकलना था भरूच। भाई फाइनली घर जाने की तैयारी, पैकिंग तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़ा सा कुछ काम है, देन निकलना है। 15-20 मिनट में निकल जाऊँगा, मतलब लाइक अभी तो घर नहीं जा रहा हूँ, अभी भरूच जा रहा हूँ, देन फिर वहाँ से आज है मैं यहाँ ट्यूजडे, तो आज मैं भरूच जा रहा हूँ, कल वेंटे वेंटे की रात में मेरी गाड़ी है, 3-13 समथिंग समथिंग को मेरी गाड़ी है, देन वहाँ से फिर मैं निकलूँगा। आउटफिट डू चेक द आउटफिट, इसमें दिखेगी शायद। अब यहाँ पे ऐसा मसला है कि तुमको फ़ोन घुमा के देखना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना मेरी जान। क्रिंज हूँ, इट इज़ वॉट इट इज़ ब्रदर, क्रिंज ही सही। सो पैकिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अपना कूल सा बैग, इसका थंबनेल बना लिया जाए तो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है,
बेहतर यही है कि फैन ऑन कर लिया जाए। फैन ऑन कर लेंगे तो भला ही है। तुम लोग से बाद में बात करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, दिन देखते हैं, दिखाते हैं। बाय। चलो भाई अभी यहाँ से जाना है घर। अच्छा अभी तो बहुत लेट हो गया, थोड़ा काम में फंस गया था, इस वजह से लेट हो गया। अभी जा रहा हूँ, देन जाने कॉल वॉल देखता हूँ जो भी सीन है। देन फिर मैं भरूच पहुंचा। 1-2 दिन का स्टे था, मतलब मेरा के ट्यूसडे को भरूच गया मैं, और वेंसडे के दिन रात में मेरी गाड़ी थी, तो ट्यूसडे के दिन भी वहीं था मैं, वेंसडे को भी वहीं था। फिर वेंसडे के दिन कुछ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए बाहर गया था। शॉपिंग चल रही है गाइस, एज यू ऑल कैन सी। चालो मन सब चालो नहीं, गाड़ी में बोला नहीं, गाड़ी कैसे बने देखवा तो देखो बने हो बोलना। तब तक मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, लाइक मतलब अभी तो आते बीच में बात हो जाएगी कि अभी तो यहाँ था, अभी तो शॉपिंग कर रहा था, लाइक शॉपिंग वगैरह करके हम आ गए थे। दोनों दिन रात में हमारी ट्रेन थी। अब जब तक मैं गाड़ी का वेट करता हूँ तो मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर ली। ये क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड की है ना, ये हमारी गाड़ी आने के पहले की, और यहाँ से जो सफ़र शुरू होता है, ये यहाँ से भरूच टू जलगांव शुरू होता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्योंकि जलगांव में मेरा एक स्टे था, स्टे मतलब लाइक के ट्रेन तो रुकती है, वहाँ पे राहिल से कुछ काम था। काम ऐसा था कि 2 मंथ्स पहले राहिल उम्रा के लिए गया था, राहिल वहाँ से मेरे लिए अतर और कुछ चीज़ें लेकर आया था, तो वो मुझे देनी थी उसे। दो स्टेशन तो मुझे देने के लिए आने वाला था। क्या ले क्या आया तू? वो दे काम की चीज दे, पहले सबसे पहले काम की चीज दे। कैसे हो जल्दी बैग में रखे रखे वाला था। तो स्टेशन पे राहिल आया, अतर तो लाया ही, साथ में नाश्ता भी लेकर आ गया था भाई। उसके बाद कुछ नहीं, बस हम घर की तरफ आ गए।
खत्म हो गई गर्मी, लॉक हो गया है। बस थोड़े टाइम में पहुंचने वाले खमगांव, नहीं देगा फिर वहां से आते घर जाएंगे, सब तो रहते ही है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए टर्फ पे, दोस्त आ रहा है लेने के लिए, उबेद आ रहा है, देन फिर हमको गप्पार को पिक करना है, फिर उसके बाद चलते हैं दिखाते हैं। और बाकी जो भी स्टोरी है बैक ऑफ द स्टोरी, वो शांति से स्टोरी टेलिंग में आपको बता देंगे। सो चिल, पीस आउट। एक्साइटमेंट तो बहुत थी कि घर आए गए तो एंजॉय, तो एंजॉय भी किया सब किया। अभी एक तो एक ही दिन हुआ, अभी 24 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुए। दोस्तों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, मिल रहा है, एंजॉय कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं व्लॉग शूट करूँगा तो भी, फिर भी अगर 3 या 4 तो व्लॉग मैं दे कर ही जाऊँगा आप लोग को। अभी कुछ प्लान चल रहा है बाहर जाने का, फिर वो भी है जुमा, जुमा है और टाइम हो रहा है 1:14। जा भाई, 1:14 हो रहा है और 2 बजे 1:45 को नमाज का टाइम है। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, अभी नमाज के लिए जाना है। नमाज के आउटफिट पहनते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। यो सो भाई, अभी सीन कुछ ऐसा है, कुर्ता तो पहनना है बट कुर्ता के ऊपर का जो नीचे का पहनने के आती है पैंट, वो मैं वहीं भूल चुका हूँ कोई तरह दोनों पे के, तो अभी उसको मेरे को पहनना पड़ेगा जीन्स के ऊपर। और जीन्स अभी मेरी आई डोंट थिंक सो कि निकाल के रखी हुई है, सब बैग में ही है, आया तब से सामान बैग में ही है। और मेरे अम्मी अभी गए हुए बाहर हॉस्पिटल गए हैं, तो अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा और पहनना पड़ेगा। ढूंढता हूँ पहनता हूँ, अगर मिल जाए पहनता हुआ, नहीं पहनता हुआ तो नहीं, मतलब पहनने के बाद दिखा दूंगा। भाई फाइनली रेडी हो गए नमाज के लिए, अब निकलेंगे। देन नमाज के बाद एक दोस्त से मिलना है, उससे मिलेंगे। आउटफिट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मैं आपको चेक करवा पाऊँगा आउटफिट, बट फिर भी इतना दिख रहा है ना, इतने पे संतुष्ट हो जाओ। इससे ज़्यादा क्या दिखाएंगे, फ़ैन चालू है इसलिए फ़ैन की बहुत आवाज़ आने वाली है, आई नो। सो चिल, चलिए बाय, बाकी की बातें नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।